हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी और मटर की चटपटी सब्जी, जो हम एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई के अंदर हम 1.5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तो तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, और मैं ना और यहाँ पे आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो तेल गर्म होने पर हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये एक टिप है, अगर आपका सरसों का तेल थोड़ा सा कच्चा रह जाता है तो आप थोड़ा सा नमक डाल दें तो स्मेल नहीं आएगी तेल की। और अब हम लहसुन डाल देंगे, जिसे मैंने कूट लिया। मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियां ली थी, उनको मैंने कूट लिया था। 2 हरी मिर्ची ली है, उन्हें बारीक बारीक काट लिया है। और अब हम डाल देंगे मटर। तो मैंने 1 बड़ा बाउल मटर लिया है, ताजा मटर लिए हैं मैंने, और इनको भी हम तेल के साथ फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही हम सभी काम करेंगे। और मैंने 1 किलो पत्ता गोभी ली थी, जिसे मैंने काट लिया है। तो सारी को मैंने पत्ता गोभी को काट कर अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। और अब हम इसे थोड़ा सा ढक देंगे ताकि भाप से ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो 2-3 मिनट बाद हम इसे उलट पलट करेंगे, आप देखेंगे कि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो गई है। तो इस तरह से उलट पलट कर देंगे। ये सब्जी फ्रेंड बहुत टेस्टी बनती है, आप जरूर ट्राई करें। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और 2 टमाटर डाल देंगे, और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आपको अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसके अंदर देसी टमाटर यूज़ किए हैं। आप भी देसी टमाटर यूज़ करें तो देसी टमाटरों में खटास जो है बहुत अच्छी आती है। अब हम फ्रेंड इसे ऊपर से कवर कर देंगे और 2 मिनट तक इसे धीमी आँच पर हम पकने देंगे। 2 मिनट बाद हम वापस से चेक करेंगे और उलट पलट कर देंगे। सब्जी को उलट पलट करते रहना है ताकि ये जले नहीं। तो थोड़ी सी जो है सब्जी कच्ची रह गई है, और अब हम इसे वापस से ढक के 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। 5-6 मिनट बाद हम वापस से चेक करेंगे, उलट पलट कर देंगे। सब्जी को कितना आप रसेदार रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं, पर मैंने लिपट मिसी सब्जी बनाई है। गैस को बंद कर देंगे क्योंकि सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।